हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12th का एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 25 क्वेश्चन को बताया जा रहा है। और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वह प्रीवियस या सिलेक्टेड क्वेश्चन को बताया जा रहा है। चलिए इसी के साथ हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग को पूछा, मानव शास्त्र अध्ययन कराता है, जो मानव शास्त्र है हम लोग को क्या चीज़ का अध्ययन कराता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए में मनुष्य का, ऑप्शन बी में पशु का, ऑप्शन सी में बीमारियों का, ऑप्शन डी में पेड़ पौधा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य का। जो मानव शास्त्र है वह मनुष्य का अध्ययन कराता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू में पूछा हम लोग को, झूम से हमारा अभिप्राय है, झूम से हमारा अभिप्राय है सो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया, खेती के एक प्रकार से, जो खेती के एक प्रकार से होता है उससे हमारा झूम का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा, मानव विज्ञान की कौन सी शाखा मानव के जैविक पक्ष का अध्ययन कर आती है। जो मानव विज्ञान में है कौन सा शाखा जो जैविक पक्ष का अध्ययन कर आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया, शारीरिक मानव शास्त्र, जो शारीरिक मानव शास्त्र होता है वह मानव विज्ञान के मानव जैविक पक्ष का अध्ययन कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा हम लोग को, झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या है, जो झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या है वह कितनी है। तो 32 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा, सेवा विवाह पाया जाता है, सेवा विवाह पाया जाता है। तो जो सेवा विवाह है वह किस धर्म में पाया जाता है सो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया, गोंडा में, जो गोंडा होते हैं उसमें सेवा विवाह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परिहार संबंध पाया जाता है, जो परिहार संबंध है वह किसके बीच पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है एक औरत और उसके पति के छोटे भाई के बीच में, जो एक औरत और उसके छोटे भाई के बीच में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा, बंदर का शिकार करने के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है। जो बंदर के शिकार करते हैं उसमें, जो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया चार ऑप्शन, उसमें कौन सा जनजाति प्रसिद्ध है सो बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलोर। जो बिलोर है वह बंदर के शिकार करने के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। तो क्वेश्चन नंबर एट में पूछा हम लोग को, जनजाति के अध्ययन के लिए हम पढ़ते हैं, जो जनजाति के अध्ययन के लिए हम लोग पढ़ते हैं वह कौन सा बुक पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए में भूगोल, ऑप्शन बी में मानव विज्ञान, ऑप्शन सी में राजनीतिक शास्त्र, ऑप्शन डी में मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। तो क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा, सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई देखी जा सकती है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता वह कहाँ पे देखी जा सकती है। तो हड़प्पा में देखा जा सकता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन। तो क्वेश्चन नंबर टेन में पूछा, टोडा पाए जाते हैं, जो टोडा जनजाति है वह किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है केरल में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ। क्वेश्चन नंबर इलेवन में पूछा हम लोग को, नरबलि प्रथा पाई जाती थी, जो नरबलि प्रथा है वह किस जनजाति में पाई जाती थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया, खोंडा में, जो खोंडा है में उस जनजाति में पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में पूछा, सारना धार्मिक स्थल है, सारना धार्मिक स्थल है वह किस जनजाति या किस धर्म के लिए जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया मुंडा का, जो मुंडा है उस जनजाति के लिए सारना धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो 13 में पूछा झारखंड में किस जनजाति की आबादी सबसे ज़्यादा है, जो झारखंड में है वो किस जनजाति का आबादी सबसे ज़्यादा है। तो इसका राष्ट्र आंसर है संथाल, जो संथाल है हमारे राज्य झारखंड में उसके जनजाति ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा औद्योगिकरण का जनजातियों पर निम्न प्रभाव पड़ता है, जो औद्योगिकरण है उस पर जनजातियों का निम्न प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गंदगी बस्ती की बढ़ोतरी, जो गंदगी बस्ती है उसकी बढ़ोतरी के कारण उद्योगी के निम्न जनजातियों पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है बिलोर जनजाति का पेशा क्या है, जो बिलोर जनजाति है वह अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्सी बनाना, रस्सी बनाना, रस्सी बना के वह अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा हम लोग को धर्म का मुख्य कार्य है, जो धर्म है उसका मुख्य कार्य क्या है, व्यवहार का नियम, जो धर्म का मुख्य कार्य व्यवहार का नियम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है परीक्षा विवाह पाया जाता है, जो परीक्षा विवाह है वह किस जनजाति में पाया जाता है। तो भील में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है जनजाति समूह है, जो जनजाति समूह है वह किस समूह का है। तो इसका राइट आंसर है गोत्रों का, जो जनजाति समूह है वो गोत्रों का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा हम लोग को व्यक्ति और समाज दोनों के लिए कौन एक उपयोगी संस्था है, हम लोग के एक ऐसा संस्था बताना है जो व्यक्ति और समाज के लिए दोनों के लिए वो संस्था उपयोग में आ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया ऑप्शन ए में जाति, ऑप्शन बी में विवाह, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में दिया दोनों जाति और विवाह है, जो व्यक्ति और समाज के लिए दोनों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है बिलोर जनजाति में लड़कियों की शादी प्रायः कितने वर्षों में हो जाती है, जो बिलोर जनजाति है उसकी उनकी लड़कियों की शादी कितने वर्ष में हो जाती है सो बताना। तो इसका राइट आंसर है 16 वर्ष, जो 16 वर्ष में वह बिलोर जनजाति की शादी हो जा लड़कियों की शादी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा हम लोग को खासी जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं, जो खासी जनजाति है वह किस राज्य में पाए जाते हैं। तो मेघालय में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिलोर पाए जाते हैं, बिलोर जो है जनजाति है वह किस राज्य में पाए जाते हैं, तो झारखंड में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा हम लोग को प्रजातिवाद के आधारों में एक मुख्य आधार है, जो प्रजातिवाद में जाति में मुख्य भेदभाव होता है उसका क्या कारण होता है। तो इसका राइट आंसर अस्पृश्यता की भावना, जो लोगों में अस्पृश्यता की भावना होती है वह होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है बहु विवाह के कितने भेद होते हैं, जो बहु विवाह होते हैं वह उसके कितने भेद होते हैं, तो उसके 3 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट में पूछा हम लोग को, झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया, जो झारखंड राज्य हमारा है वह बिहार से कब अलग हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 2000 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया गया वह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।